लंबी छुट्टी आ गया मेरा लंबी छुट्टी करा गया। कर्नल मनप्रीत के घर पर अब लोग जुट चुके हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है और कुछ ही देर में अब आर्मी की ओर से परिवार को पार्थिव शरीर हैंडओवर किया जाएगा और आज अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां मोहाली के भड़ौंजिया गांव में ही रखा होगा और परिवार के लोग यहां पर अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ही देर में आर्मी की गाड़ी से पार्थिव शरीर कर्नल का यहां पर पहुंचेगा और उनका अंतिम संस्कार भी आज ही होना है। परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं, उनके साढ़ू भाई वीरेंद्र जी, आर्मी की ओर से कुछ ही देर बाद क्या पार्थिव शरीर सौंपा जाने वाला है? कितनी देर बाद? जी लगभग 15-20 मिनट में आने वाला है। 15-20 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे जी, जी। और अंतिम संस्कार कितनी देर में? अभी 2 घंटे और लग जाएंगे। तो आज दोपहर में ही अंतिम संस्कार, लेकिन तस्वीर के सामने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तमाम वो लोग आर्मी के सीनियर ऑफिसर से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि आर्मी की गाड़ी से ही अब ससम्मान तिरंगे में लिपटा हुआ कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर उनके मोहाली के इस भड़ौंजिया गाँव में पहुँचने वाला है। आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी भी हम यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं और गाड़ी अब कुछ ही मिनटों में इस गांव में यहाँ पर पहुँचने वाली है। ये वो गांव है, बताया जाता है कि सारा गढ़ी की लड़ाई से लेकर के अब तक लगातार यहाँ पर सिख रेजिमेंट के एक एक जवान जिस बहादुरी से देश के लिए लड़ते रहे, इस गाँव के तकरीबन हर घर में यहाँ पर हर एक घर से एक जवान भारतीय सेना में सर्विस दे रहा है और इसी तरह से अपने देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अनंतनाग में भी कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष शहीद हो गए आतंकियों से लोहा लेते हुए। और ऐसे में पानीपत में जहां एक तरफ कर्नल आशीष का अंतिम संस्कार हो रहा है, मेजर आशीष का अंतिम संस्कार के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकली हुई है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अब आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी है मोहाली में यहाँ पर, जहाँ भड़ौंजिया गांव में अब कुछ ही पलों बाद आर्मी ससम्मान कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर तमाम परिजनों को सौंपेगी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जिस तरह से अनंतनाग में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, उसके बाद कर्नल मनप्रीत की अगुवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ चलती रही, जिसमें कर्नल मनप्रीत शहीद हो गए और साथ ही साथ मेजर आशीष ने भी अपनी प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में अंतिम यात्रा में उनके भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। लगातार अब यहाँ पर भड़ौंजिया गाँव में भी उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार किया जा रहा है। परिवार के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगले महीने ही वे छुट्टी लेकर के यहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन उनकी माता ने कहा कि नम आँखों से अब वो हमेशा हमेशा के लिए एक लंबी छुट्टी लेकर यहाँ से जा चुके हैं। और ऐसे में अब जबकि तस्वीर यहाँ इस भड़ौंजिया गांव में जगह जगह लगी हुई है कर्नल मनप्रीत की, ये तस्वीर देखिए जो आर्मी के ऑफिसर्स की मौजूदगी में यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर पर जिस तरीके से कर्नल मनप्रीत के तस्वीर के सामने पुष्पांजलि करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इंतज़ार उनके पार्थिव शरीर का है, कुछ ही देर में अब परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं नम आँखों से और कर्नल मनप्रीत की पत्नी की बहन भी यहाँ इंतज़ार कर रही हैं कि कुछ ही देर में पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा और अंतिम दर्शन परिवार उनके कर पाएंगे। आशीष धोचक्का, और आप ये तस्वीर देखिए, जहाँ जगह मिली है लोग अपने आप को बिठाने की, खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अंतिम विदाई है उस बेटे की जिसने शहादत दी, देश के लिए कुर्बानी दी और उसको उसके अंतिम यात्रा में, उसके अंतिम पलों में सब शामिल होना चाहते हैं। आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको आसपास के गाँव से लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और
इस गांव के तो लोग हैं ही, क्योंकि यहां पर उनका बचपन बीता है। ऐसे में अब उनको यहीं पर ही पंचतत्व विलीन उनको यहां पर हो जाएंगे। लेकिन करीब 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग यहां पहुंचे हैं, और जगह जगह जहां चौराहे थे, स्कूली बच्चे हाथों में फूल लेकर खड़े हुए थे, उनकी अंतिम यात्रा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। जो लोग उनको जानते हैं वो तो थे ही, लेकिन देशभक्ति की भावना ऐसी होती है कि जो नहीं जानते हैं वो भी आज आशीष धौचक की मेजर आशीष धौचक की अंतिम यात्रा में शामिल होने, शरीक होना चाहते हैं। तो तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में लोग उनके गांव पहुंचे हैं, और अब यहां पर राजकीय सम्मान के तहत पूरा जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत उनको यहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है, और रास्ते में हमने वो तस्वीरें देखी जब एक तरफ वो फौजी ट्रक चल रहा था जिसमें तिरंगे में लिपटे हुए शहीद मेजर आशीष धौचक थे, तो बगल में एक गाड़ी चल रही थी जिसमें उनकी बहनें थी, नम आंखों से अपने भाई को सलाम कर रही थी। काफ़ी गमगीन तस्वीरें थी, लेकिन मन में वो जज्बा था, शहादत, वो एक वो गर्व था पर कि किस तरीके से एक परिवार ने अपना बेटा गंवाया और देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत है उन तमाम युवाओं के लिए जो फौज में, आर्मी में, देश सेवा में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं। अब ये नाम इस पूरे इलाके में, और हमेशा से ही हरियाणा की भूमि, मिट्टी, वो जमीन है यहाँ से हजारों सैकड़ों की तादाद में फौज में युवा जाते हैं, तो अब ये नाम सदियों तक उन युवाओं को प्रेरित करता रहेगा कि किस तरीके से एक युवा, एक छोटे से गांव का युवा देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बानी देता है, और एक परिवार जिसकी आंखों में आंसू तो हैं लेकिन वो आंसुओं के साथ साथ शहादत का एक गर्व है कि किस तरीके से अपने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पति को, 2.5 साल की बेटी है मेजर आशीष की, और किस तरीके से वो सबको छोड़ के चले गए। लेकिन छोड़ के गए हैं एक शब्द है कहने की, एक तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भावना है जो अब हमेशा के लिए उनको अमर करती है। ये तिरंगा झंडा शान से लहराता है क्योंकि आशीष धौचक जैसे, ये देखिए रोता बिलखता परिवार है, बहनें हैं जो हाथ जोड़े वंदे मातरम के नारों के बीच, उद्घोष के बीच यहाँ पर अपने भाई को अंतिम सफर में, उनकी आखिरी विदाई के समय पर यहाँ पर पूरा परिवार गमगीन है, पहुँचा हुआ है। लेकिन शहादत है, शहादत के साथ साथ गर्व भी है अपने बेटे पर, अपने भाई पर, कि देश के लिए वो कुर्बान हो गया। तो ये तस्वीरें पूरे देश के लिए, सिर्फ हरियाणा पानीपत के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक तरीके से मन में जो देशभक्ति की भावना होती है उसको जागृत करने के लिए काफ़ी है। यही भारत है, और असली भारत तो गाँव में बसता है, और वही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बेटे के लिए, एक जवान बेटा, 34 साल का बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया, शहीद हो गया, लेकिन पूरा गांव ये आज उनके साथ खड़ा हुआ है कि बेटा चला गया लेकिन परिवार के साथ हम लोग टिके हुए हैं। और इसी सोच, इसी भावना के साथ आप यहाँ पर देखिए कि क्या हुजूम उमड़ा हुआ है उस वीर सपूत को, माँ भारती के उस वीर सपूत को गुड बाय कहने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए क्या हुजूम उमड़ा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जब सुबह करीब 6 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर उनके उस आवास पर पहुंचा, जिस आवास को उन्होंने बनाया गृह प्रवेश करने से पहले, वो शहीद हो गए। अगले महीने 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, उस दिन गृह प्रवेश होना था, लेकिन उसी घर की चौखट से आज उनको अंतिम विदाई दी गई है। जीते जी उस घर में वो कदम नहीं रख पाए, घर बन रहा था जब जरूर गए, लेकिन जब घर बन के तैयार हो गया तो उसमें नहीं जा पाए। शहीद होने के बाद आज उनको अंतिम विदाई उसी घर से दी गई है। तो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए तमाम युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं, और अंतिम विदाई अपने उस भाई को, अपने उस बेटे को, उस चहेते को, उस वीर सपूत को देना चाहते हैं जो माँ भारती के लिए लोहा लेते हुए उन नापाक इरादे वालों से शहीद हो गया, और शहीद होते होते ये संदेश लेके गया कि किस तरीके से देश के लिए कुर्बान हुआ जा सकता है। और तमाम उन युवाओं में वो जोश भर के चला गया कि किस तरीके से अपने देश के लिए कुर्बान हुआ जा सकता है। और ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं, कोई शब्द इनको बयां करने के लिए मुझे लगता है काफ़ी नहीं होंगे, और ये तस्वीरें बयां करते हैं कि आखिरी झलक पाने के लिए, उस शहीद मेजर आशीष धौचक की आखिरी झलक पाने के लिए यहाँ पर आसपास के कई गाँवों से हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका परिवार आप देखिए आगे, यहाँ पर उनकी बहनें मौजूद हैं। रास्ते में जब फौजी ट्रक चल रहा था तो तिरंगे में लिपटे हुए मेजर आशीष थे, तो बगल में एक गाड़ी चल रही थी जिसमें से